साहब विरोध होया, उस तो बाद अकाली दल वाले भी गए उत्थे, बीजेपी के लीडर्स भी गए, बाजवा साहब भी गए उत्थे, तो कार्रवाई हुई भी है, वड्डी गिणती भी गिरफ्तारियां भी हुई ने, कि तुसीं उसनू मानते नहीं भी वो कार्रवाई नहीं हैगी? देखो कुछ गिरफ्तारियां होने नाल जे तुसीं पब्लिक नू उन्हूं एक धोखे च रखोगे काई वास की तरह कि असीं गिरफ्तारियां कर लिया, पर तुसीं इह दसो जिन्नियां गिरफ्तारियां हुई हैं कोई किंग पिन फड़िया होवे, कोई बड़ा मगरमच्छ फड़िया होवे, उन्होंने तो सिर्फ एक काई वास किया, लोगों को धोखा दिता। दुल्लो साहब की गल की है, बाजवा साहब की गल की है, बाजवा साहब तो दुल्लो साहब गवर्नर साहब को मिले से भी सीबीआई जांच की जाए, केंद्र सरकार थोड़ी तो सू धरना लाने की जरूरत, मोदी साहब कह के सीधी सीबीआई इनकुआरी करवा लो जी? ऐसा एक सिस्टम है सारा, उस सिस्टम के अंदर ही चलना है। पंजाब सरकार तो असं सीबीआई की मांग करनी है, पंजाब सरकार ने सीबीआई इनकुआरी लवानी है। एक गल समझ दस दिया मैं तुम्हें, अगर पंजाब सरकार ना मनी ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मान सकते हैं सरकार की नाकामी कारण यह दुखांत वापरिया, पर उस तो बाद मैं समझदा भी पंजाब के वख वख एरिया तुसीं भी खबरां सुनते हो, असीं भी खबरां देखते हैं भी कितने नकली शराब उत्थों फड़ी गई, वड्डी मात्रा भी उत्थों फड़ी गई, उस कारवाई तुसीं किवें समझदे हो? सरकार के अंदरले आगुओं की गल की है, प्रताप सिंह बाजवा दुल्लोर, चलो बधाई दे पात्र ने, उन्होंने आवाज चुकन तो बाद कार्रवाई थोड़ी शुरू हुई है, कार्रवाई थोड़ी स्ट्रोंग हुई है, पर इल्जाम ये भी लगते हैं कांग्रेस पार्टी ला रहे हैं भी जो दुल्लो तो बाजवा बोल रहे हैं वह बीजेपी के इशारे बोल रहे हैं भी बीजेपी जाने की चर्चावान ने बाजवा साहब की सिक्योरिटी केंद्र सरकार वालों बढ़ा दी गई है। देखो वो कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन्होंने कह का की मतलब है, बीजेपी के इशारे से बोल रही है, उन्होंने उस पंजाबीयत दे जे कोई काम किया तो असं उन्होंने थाली छेक कहने की गल करते हैं। नकली शराब तो अलग गल की हुई, चिट्टे की गल की जाए तो ये इस चीज़ तो मुनकर नहीं हो सकता, चिट्टा है वो थोड़ी पिछले अकाली बीजेपी सरकार की देन है, सरकार ने एफीडेविट भी दिता सीगा हाई कोर्ट के भी साढ़े इन्ने परसेंट मैक्सीम 50% अबव, मैं थोड़ा याद नहीं है 50% अबव जोड़े पंजाब के नौजवान ने वो नशेड़ी ने। ने एफीडेविट दिता अकाली बीजेपी गवर्नमेंट ने दिता एफीडेविट, कैप्टन साहब ने दिता उस टाइम, राहुल गांधी ने बयान दिता, एफीडेविट देने तो बाद राहुल गांधी ने बयान दिता तो मजाक उड़ाया गया, एफीडेविट थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं हैगी, एक मानयोग हाई कोर्ट के दिता गया पंजाब सरकार के वालों। देखो कागजी कार्रवाई होर होंगी है लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या हुई है, अज साढ़े तीन पौने चार साल हो जा रहे हैं, ग्राउंड तक कुछ नहीं होया ना, फिर असी परमात्मा की सहु खा के जरा असी वादा किया लोगों जिसे असी वोटा लीतिया असा धोखा किया लोगों। प्राइम उदे देख रहे सर, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी, मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। पंजाब दे विच पिछले कुछ दिन पहला नकली शराब जहरीली शराब नू लैके गुरदासपुर दे विच एक दुखांत वापर जिस दे विच सैकड़े तो वध मैं समझदा 100 तो वध जिहड़ियां मौतां होईयां ने, मौतां नू लैके सरकार दे उत्ते सवाल जिहड़े ने ओह चुके जा रहे ने, क्योंकि जो सरकार सत्ता विच आई सी तां नशे नू खत्म करन दी गल कीती गई सी, पर इत्थे तां लोक खत्म हो रहे ने उस नू लैके विरोधी धिरां खास करके कांग्रेस पार्टी जिहड़े अपने राज्य सभा मैंबर ने ओह भी सरकार ते जिहड़े सवाल चुक रहे ने। अज असीं पहुंचे लुधियाणा जलंधर बाईपास चौंक दे विच, तुसीं देख सकदे हो बीजेपी वालों अज इत्थे धरना लगाया गया वे, भारतीय जनता पार्टी लुधियाणा विधानसभा हलका उत्तरी वालों धरना लगाया गया, इत्थे नकली शराब दे बनाउण वाले शरण देने वाली सरकार विरुद्ध ने मतलब बैनर इतने टंगे गए हैं, साडे नाल प्रवीण बांसल जी ने, उन्होंने असं गलबात करांगे कि उन्होंने मंगा है तो धरना की धरने की रूपरेखा है। बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल जी। पंजाब के अंदर पिछले दिनों जिहड़ियां 110 तो वध मौतां पंजाब के गबरों दियां जहरीली शराब के नाल हुई हैं, असी अज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साडे सूबा प्रधान श्री अश्विनी शर्मा की रहनुमाई के अंदर पंजाब दियां 117 दियां 117 विधानसभा असी धरने का आयोजन किया। साडा सीधा सीधा सवाल है जिहड़ा नारा लैके असी बैठे हैं कि कप्तान तेरी नकली दारू होर किन्ने पंजाबी मारू, कप्तान दे सरकार दे अपने ही नुमाइंदे
बाजवा साहब और दुल्लो साहब ने भी इस गल का इल्जाम लगाया कि ये नकली दारू का माफिया जरा पंजाब के अंदर चलता है, इस सरकार के कुछ नुमाइंदे शामिल हैं, कुछ मंत्री शामिल हैं, कुछ MLA शामिल हैं। इसी करके 110 मौतों के बावजूद भी सरकार की चीफ मिनिस्टर की नींद नहीं खुली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अज सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करते हुए सड़कों के उत्ते उतरे हैं ता कि गूंगी बैरी बौली सरकार के कन्न खोल सकन और जड़ियाँ मौत हुई हैं उन्होंने परिवारों इंसाफ दिला सकन और जड़े माफिया काम करता उन्होंने नकेल पाई जाए तो उन्होंने सलाखा के पिछे पान। अज भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता धरना लगा के जिते उन्होंने कन्न खोलन गए उसके ऐसी सरकार को बरखास्त करने की मंग भी करते हैं। डॉक्टर साहब विरोध होया उस तो बाद अकाली दल वाले भी गए उत्थे, BJP के लीडर्स भी गए, बाजवा साहब भी गए उत्थे, तो कार्रवाई हुई भी है, बड़ी गिनती भी गिरफ्तारियां भी हुई ने, कि तुसी उसनू मानते नहीं भी वो कार्रवाई नहीं हैगी? देखो कुछ गिरफ्तारियां होने नाल जे तुसी पब्लिक नू उन्हों एक धोखे च रखोगे काई वास की तरह कि असी गिरफ्तारियां कर लिया, पर तुसी ये दसो जिन्नियां गिरफ्तारियां हुई हैं कोई किंग पिन फड़िया होवे, कोई बड़ा मगरमच्छ फड़िया होवे, उन्होंने तो सिर्फ एक ही वाश किया, लोगों को धोखा दिता, उन्हां दी संवेदनशीलता खत्म हो गई कैप्टन सरकार दी, उन्हां जो लोगों के प्रति जिम्मेदारी सी वो सारी जिम्मेदारियां ते एक सरकार फेल हुई है। मान सकते हैं सरकार की नाकामी कारण ये दुखांत वापर है, पर उस तो बाद मैं समझदा भी पंजाब के वख-वख एरिया तुसीं भी खबरां सुनदे हो, असीं भी खबरां देखते हैं भी कितने नकली शराब उत्थों फड़ी गई, वड्डी मात्रा भी उत्थों फड़ी गई, उस कारण तुसीं किवें समझदे हो? देखो कई बार सरकारां जिथे विरोधियों के वलों जे किसी तरह की मंग उठती है उन्हें तरजीह नहीं दिती दिंदी, लेकिन जब अपने घर के अंदर उन्होंने लग्या भी नहीं हूँ ये मसला बड़ा संजीदगा हो गया, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। पर मैं इस गलते कहना चाहूँगा कि सरकार ते करतार, सरकार ते भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सरकार की शमूलियत बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी नकली दारू का कारोबार है वो सरकार की सहमति नाल हो रहा है, उन्होंने सहयोग नाल हो रहा है, असं समझते हैं भी इस जड़ा माफी है उन्होंने नकेल पानी चाहिए। सरकार के अंदर आगुओं की गल की है, प्रताप सिंह बाजवा दुल्लो, चलो बधाई दे पात्र ने, उन्होंने आवाज़ चुकन तो बाद कार्रवाई थोड़ी शुरू हुई है, कार्रवाई थोड़ी स्ट्रोंग हुई है, पर इल्जाम ये भी लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी ला रहे हैं भी जोड़ा दुल्लो तो बाजवा बोल रहे हैं वह BJP के इशारे पर बोल रहे हैं भी BJP जाने की चर्चावान ने बाजवा साहब की सिक्योरिटी केंद्र सरकार वालों बढ़ा दी गई है। देखो वो कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन्होंने कह मतलब BJP के इशारे पर बोल रही है। देखो उन्हें एक गल कही जाखड़ ने जब दुल्लो साहब तो बाजवा साहब बोले भी दुल्लो और बाजवा जिस थाली च खा रहे उस थाली छेक कर रहे हैं, मैं समझदा जिस उन्होंने जी जिम्मेदारी है उन्होंने थाली है कली कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने थाली पंजाब नहीं है, जिस पंजाब ने इन्हों किसी MLA बनाया, किसी मंत्री बनाया, किसी प्रधान बनाया, किसी मैंबर पार्लीमेंट बनाया, उन्होंने उस पंजाबीयत दे जे कोई काम किया तो असं उन्होंने थाली छेक कह की गल करते हैं। मैं समझदा उन्हां दी जमीर जागी है जिहड़ा उन्होंने ये गल की है और कैप्टन सरकार नूं इहनूं सीरियसली लैना चाहिए। नकली शराब तो अलग गल की हुई, चिट्टे की गल की जाए तो ये इस चीज़ तो मुनकर नहीं हो सकता, जो चिट्टा है वो थोड़ी पिछले अकाली BJP सरकार की देन है, सरकार ने एफीडेविट भी दिता सीगा हाई कोर्ट के विच भी साढ़े इन्ने % मैक्सीम 50% अबव, मैनू थोड़ा याद नहीं है 50% अबव जिहड़े पंजाब दे नौजवान ने वो नशेड़ी ने। भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने इस पंजाब नू बिजली दे प्रोजेक्ट दिते हैं, इस पंजाब नू सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिता है, इस पंजाब नू विकास दियां लीहां वल तोरिया है, नशे वल तां पंजाब नू बदनाम करन वाले उड़दा पंजाब वर्गियां फिल्मां बना के 70% नौजवान ड्रग लैंदा है, ये सारा प्रचार किया गया। कैप्टन साहब ने गुटका फड़ के सौं खाधी थी, एफिडेविट पंजाब सरकार ने दिता सी, कैप्टन साहब ने गुटका फड़ के सौं खाधी थी भी मैं 100 दिन असी नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, जे भारतीय जनता पार्टी के श्रोमणी अकाली दल की सांझ होंगी
तो हूँ तक खत्म हुई उसकी, इसलिए इन्हों की सांझ है। पहला भी यह शामिल थी, हूँ भी यह शामिल है। सरकार ने एफीडेविट दिता, अकाली बीजेपी गवर्नमेंट ने दिता एफीडेविट, कैप्टन साहब ने दिता उस टाइम, राहुल गांधी ने बयान दिता, और एफीडेविट देने तो बाद राहुल गांधी ने बयान दिता तो मजाक उड़ाया गया। एफीडेविट थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं हैगी, एक मानयोग हाई कोर्ट के दिता गया पंजाब सरकार के वालों। देखो कागजी कार्रवाई होर होंगी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या हुई है? अज साढ़े तीन पौने चार साल होने जा रहे हैं, ग्राउंड तो कुछ नहीं होया ना। फिर असी परमात्मा की सहु खा के जो असी वादा किया लोगों जिस अभी वोटा लीतियाँ असा धोखा किया लोगों। किस विशेष मंग लिए बैठे हो, की मंग करते हो अब फिर पंजाब सरकार तो, की मंग करते हो? साड़ी मंग है ये कातलों के खिलाफ कार्रवाई होवे, ये माफिया खत्म होना चाहिए, और ऐसी जी सरकार लोगों की चिंता नहीं है वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए है। इन्वेस्टिगेशन सरकार कर रही है, होर की किस तरह इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? इन्वेस्टिगेशन कोई सच्चाई भी होवे ना, कोई प्रैक्टिकली कोई कंक्रीट चीज सामने आनी चाहिए है। यह सन प्रवीण बंसल जी बीजेपी के सीनियर लीडर जिन्हों वालों खास तौर पर किया गया भी जी जहरीली शराब पंजाब दे विच दुखांत वापरिया लैके कैप्टन साहब सरकार जी गंभीर नहीं हैगी, तो वड्डे सवाल उन्होंने कार्रवाई के चक्के जो माफिया पुख्ता माफिया वा उस कोई भी कार्रवाई हल तक सरकार वालों नहीं की गई। इतने लुधियाना बीजेपी के प्रधान ने उन्होंने गलबात करेंगे की कहना उन्होंने इस मामले। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी थोड़ा जी, की थोड़ी मंग है? तुम धरना लाया जी अज? असी पहला धरना नहीं लाया, इस तो पहला साडा असी युवा मोर्चे ने धरना लाया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने धरना लाया, भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा ने धरना लाया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने धरना लाया, और पूरे लुधियाने च अलग अलग जगह पर धरने लगे, सारी प्रेस हाउस की गवाह। और असी मंग की उन्होंने धरनिया के नकली शराब बनाने वाले जो शरण देता उन्होंने पकड़ो, लेकिन पंजाब सरकार के कन से कोई जू नहीं रेंगी। असी क्या भी उन्होंने पकड़ो और सीबीआई की जाँच कराओ या सिटिंग जज की जाँच कराओ, लेकिन पंजाब सरकार के सिर पर कोई जू नहीं रेंगी। उस करके भारतीय जनता पार्टी अज एक बड़ा धरना, छे विधानसभा लुधियाने से अभी छे विधानसभा असी अज धरना लाया, और साढ़े कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं उन्होंने परिवारों के नाल जिन्हों की 116 लोगों की मृत्यु हो गई। तुसी कार्रवाई की गल की है, मुख्यमंत्री साहब भी उत्थे गए ने, बड़ी गिणती भी गिरफ्तारियां भी हुई ने, कि तुसी उन्होंने समझते नहीं, सही नहीं समझते उन्होंने? वो घड़ियालू आसू बहान गए हैं, जे वो उत्थे गए होंगे तो दुल्लो ते बाजवा इदा दियां गल्लां ना करते जिदा दियां करते। गिरफ्तारियां हो रही, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई फर्जी है। लुधियाने के अंदर भी नकली शराब बनांदा जिहड़ा बंदा फड़िया गया कांग्रेसियों का, ये सारे जानते हो, तुसी भी जानते हो। गिरफ्तारियां उन्हां दियां करो जिहड़े शराब माफिया नूं शर्म देंदे आ, करिंदियां दी गिरफ्तारियां ना करो। दुल्लो साहब की गल की है, बाजवा साहब की गल की है, बाजवा साहब तो दुल्लो साहब गवर्नर साहब नूं मिले सी भी सीबीआई जांच की जाए, केंद्र सरकार थोड़ी है तो सानूं धरना लाने की जरूरत? मोदी साहब नूं कह के सीधी सीबीआई इनक्वायरी करवा लो जी। ऐसा जी एक सिस्टम है सारा, उस सिस्टम के अंदर ही चलना है। पंजाब सरकार तो असीं सीबीआई की मंग करनी है, पंजाब सरकार ने सीबीआई इनक्वायरी लवानी है। एक गल समझ दस दिया मैं तुहानूं, अगर पंजाब सरकार ना मनी पंजाबियों के सबर का इम्तहान टुटूगा। गवर्नर साहब तो पंजाब दे ते बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, गवर्नर साहब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साड़ी असी गवर्नर साहब को भी जा रहे हैं, साढ़े सारे लीडर गवर्नर साहब को जाएंगे, साढ़े भी लीडर जाएंगे, तो सामने वो भी धरना आ जाऊगा। लेकिन उस तो पहला असी पंजाब सरकार को बार बार चेताना चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, जेडे तुहाडे बंदे शराब माफिया जिहड़ा शरण देंदे आ उन्होंने कार्रवाई करो, उन्होंने MLA तो उन्होंने अपने लीडर से कार्रवाई करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी पंजाब के उत्ते सड़कों पर उतरूगी। फिर सानू ना किया नशे की गल की, नशे का मुद्दा अज का नहीं, ये पिछले थोड़ी सरकार वाले बहुत मुद्दा उठाया सी चिट्टे की, चिट्टे लैके मैं समझ जी सरकार का पतन होया अकाली बीजेपी सरकार वह कारण कितना कितना चिट्टा भी रहा है वा, उन्होंने किमें देखते हो? देखो मैं ये नहीं कहता कि नशा नहीं, नशा अज पूरे भारत है, ठीक है, उस वेले पंजाब नशा आया, लेकिन कैप्टन सरकार ने उस वेले दे नौजवानों नूं बरगलाया वोट लैन वास्ते, इन्हां ने कहा मैं 15 दिन च नशा खत्म कर दूंगा कहा। उस तो बाद जो भाजपा अकाली दल दी सरकार दे टाइम ते नशे दी पोजीशन सी और अज है तुहाडे सामने है, रोज़ करोड़ों रुपए की चिट्टा अफीम शशीश गांजा रोज़ पकड़े जाते हैं। उस वेले इन्हां ने पूरे पंजाब नूं पूरे पंजाब के नौजवान नशेड़ी बनाता। शराब की गल करिए कैप्टन साहब ने लॉकडाउन तो बाद किया कि खोलो शराब के ठेके खोलो, मैनू रेवन्यू नहीं आता,
ऑल इंडिया गवर्नमेंट मैनू रेवन्यू दें नहीं, ठेके खोले तो मैं दसो कि ठेके से जाके भीड़ लगी। वो इस करके नहीं लगी कि पूरी दे पूरे दो महीने के लॉकडाउन के अंदर कांग्रसियों ने अपने बंदियों के माध्यम के नाल सरकारी लोगों ने अपने बंदियों को शैल्टर दे के घर घर शराब बकाई। इस करके भारतीय जनता पार्टी अकाली दल दे एक इस गल नूं कह के इन्हां नूं माफ़ नहीं किया जा सकता, छड्डिया नहीं जा सकता, ये पूरी तरह जिम्मेवार। अगला की रूपरेखा की होगी थोड़ी जी कार्रवाई? सेवा ही नहीं, तुसीं देखते जाओगे साडा जो भी कार्यक्रम तुहाडे सामने आणगे, लेकिन असीं पिछे नहीं हटांगे इस मुद्दे तो। असीं सड़क तो संसद अज जिते तक सानू जाना पिया, राजभवन तक भी सानू जाना पिया, कैप्टन साहब की कोठी का घिराव करना पिया, असीं उह भी करांगे, उस तों परे नहीं। शुक्रिया। सन लुधियाना बीजेपी प्रधान पुष्पेंद्र सिंगल जी जिन्हों वालों कहा जा रहा है भी नशे के मुद्दे पर वह किसी भी तरह का पिछे नहीं हटणगे, जिथे तक जाना पाया उन्होंने जाना पे। इतने एक गल ये निकल के सामने आती है पंजाब सरकार वालों कार्रवाई जी ढिली की जा रही है, जिहड़े सौदागर ने नशे जिहड़े शराबी नशे जहरीली शराब वेच रहे ने बना रहे ने माफ़ी जिन्हें गल बीजेपी आगू कर रहे हैं, ये धरना देने की बजाए अपनी सरकार इन्हां दी केंद्र विच गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर साहब इन्हां दी केंद्र सरकार वालों लगाए गए हैं, सो ये सीधी उत्थों कार्रवाई कराने की बजाय एक राजनीतिक मैं समझदा स्टंट भी है। नशे के मुद्दे पंजाब नूं सारियां सियासी धिरां भावें उह कांग्रेस पार्टी होवे अकाली दल होवे बीजेपी होवे जां होर छोटियां मोटियां पार्टियां होण, सारियां पार्टियां नशे के मुद्दे ते राजनीति करके पंजाब दी भोली भाली जनता नूं बुद्धू बना रही ने। मैं इंद्रपाल सिंह धुन कैमरामैन हैरी के नाल, देखते रहो प्राइम उदे, सत श्री अकाल।